राधे राधे श्रद्धे श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी प्यारे हरि भक्तों को हर हर महादेव। भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा महादेव के श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन। आप सबका अभिनंदन। YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी हरिभक्त, आज के इस सुंदर प्रसंग में भगवान के द्वितीय दूसरा अवतार पिपलाद अवतार के बारे में जानेंगे। भगवान के इस दूसरे अवतार को पिपलाद मुनि के नाम से जाना गया। पिपलाद मुनि कौन थे, किनके यहाँ जन्मे, इनके अवतार में ऐसा विशेष भगवान का क्या उद्देश्य था जिसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया। प्रिय बंधुवरो, कथा प्रसंग पिपलाद मुनि जी का इस प्रकार है कि भगवान पिपलाद मुनि महर्षि दधीचि के पुत्र थे और जन्म के समय ही माता पिता दोनों का साया इनके सर से उठ चुका था। पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपने बाल्यकाल को, युवावस्था को, अपने परम स्वरूप शिव स्वरूप को पाने के लिए तप करते हुए संजोया। इस कारण इनका एक नाम पिपलाद मुनि कहा गया। प्रिय बंधुवरो, भगवान के अवतार लेने का एक विशेष कारण यह था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नवग्रहों की कोई ना कोई दशा हमेशा प्राय चलती रहती है। जिस प्रकार 7 दिन सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और फिर रविवार, ये 7 बार 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 घूम करके हमारी दिनचर्या में आते हैं, हमारे जीवन चक्र में आते हैं, ठीक उसी प्रकार प्यारे बंधुवरों हमारे जीवन में 9 ग्रह विशेष हैं और ये 9 ग्रह अपने अपने महादशा के रूप में तो आते ही हैं, दशा के रूप में आते हैं। दशा में भी प्यारे बंधुवरों अपनी दिन प्रतिदिन दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा के रूप में आते हैं, दशाओं में दशा के रूप में आते हैं। ग्रहों की चाल से कोई बच नहीं सकता, लेकिन प्रश्न होगा आपके मन में कि महाराज जी पिपलाद मुनि के इस अवतार में ग्रहों की दशा से क्या अभिप्राय है। प्रिय बंधुवरो, बाल्यकाल में अगर किसी के ऊपर माता पिता का साया उठ जाता है और उसका एक विशेष कारण भगवान शनि को माना जाता है, तो ऐसे में अपने उन भक्तों को बचाने के लिए भगवान ने ये पिपलाद मुनि का अवतार लिया। अभी भी आप सब असमंजस में होंगे कि बचपन से माता पिता का उठना, तो ये सब कर्म, ये सभी संशय आज के इस प्रसंग से दूर होगा। आइए सुने पिपलाद मुनि के आज के कथा प्रसंग को। कथा प्रसंग पुराणांतर तदंतर प्रिय बंधुवरों प्राय समस्त पुराणों में लेख मिलता है कि जब वर्तासुर नामक दैत्य ने देवताओं के साथ युद्ध किया और देवता समस्त इससे पराजित हो गए, स्वर्ग पर इसका आधिपत्य हो गया, ब्रह्मा जी के वरदानों से फलीभूत वर्तासुर यज्ञ से प्रकट हुआ था, इस कारण इतना प्रभावशाली था कि ब्रह्मा जी भी इसका वध नहीं कर सकते थे, भगवान नारायण भी वचनों से बधे थे इसका वध नहीं कर सकते थे। तब भगवान शिव के समीप जाकर के सभी ने उपाय सजाया, पूछा कि महादेव आप तो कालों के भी काल हैं, कोई उपाय बताएं। तो बताया कि मेरे परम भक्त महर्षि दधीचि, जिनको मैंने वरदान दिया है कि उनकी तप से प्रसन्न होकर कि उनकी अस्थियां वर्ज के समान है, इतना तप का योग बल उनका एकत्रित हो चुका था, बड़े परम भक्त हैं,
महर्षि दधीचि। और महर्षि दधीचि प्यारे बंधुवरों एक कालखंड में हमारे सप्तऋषियों में से भी एक रहे हैं। तो महर्षि दधीचि के पास इन्हें भेजा है। देवराज इंद्र बृहस्पति जी के साथ इनके आश्रम पहुंचे। धर्म की रक्षा हेतु महर्षि दधीचि से आग्रह किया कि आज आपकी आयु का दान हमें चाहिए। हे महर्षि दधीचि, आप सर्वत्र सर्वज्ञानी हैं, अतः निवेदन है कि धर्म की रक्षा हेतु आप अपनी आयु का दान दें। महर्षि दधीचि ने अपनी आयु का दान देने का संकल्प लिया। सारा कारण जाना तो योग बल से ये भी जान गए कि महादेव की भी ऐसी इच्छा है और मुझे धर्म की रक्षार्थ हेतु अपनी आयु का दान देकर अपनी अस्थियों से दिव्य अस्त्रों का निर्माण कराकर देवराज इंद्र को देना होगा। देवराज इंद्र ने आयु का दान लिया। महर्षि दधीचि ने संकल्प मात्र से अपने देह को पूर्ण ब्रह्म में विलीन किया। महर्षि दधीचि के शरीर के स्थान पर अब उनकी केवल अस्थि पंजर एवं देह की राख थी। प्रिय बंधुओं, देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा महादेव की कृपा से उन अस्थियों से अनेकों दिव्यास्त्र बनाए गए, जिसमें से मुख्य इंद्र का प्रमुख अस्त्र रहा शस्त्र रहा वज्र, जिसका नाम रहा। और उसी वज्र से भगवान महादेव के आशीर्वाद से वर्तासुर का अंत हुआ। सभी देवताओं ने मिलकर के महर्षि दधीचि को नमन किया। लेकिन महर्षि दधीचि की जो पत्नी थी, उन्हें जब ये पता चला तो उन्होंने भी सती होना स्वीकार किया। वे सती होने के लिए जब तत्पर हुई तो आकाशवाणी के माध्यम से आदिदेव महादेव ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि का स्वयं मेरे समान सुंदर पुत्र पल रहा है, अतः शास्त्रोक्त वचन है कि किसी भी गर्भवती स्त्री को सती होना उचित नहीं है, यह अनुकूल नहीं है, अतः देवी तुम अपने प्राणों की रक्षा करो। महर्षि दधीचि की पत्नी ने आकाशवाणी की बात को माना, यथा समय एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उस बालक को आश्रम के ही एक वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे विराजमान कर प्रिय बंधुवरों कहा कि तुम यहाँ पर हे महादेव स्वरूप विराजमान रहो, क्योंकि आकाशवाणी ने परिचय करा दिया था कि शिव स्वरूप आपके उदर से जो उत्पन्न होने वाला बालक है। तो पीपल के नीचे आसन मिला, इसलिए इनका नाम पिपलाद पड़ा। और देवी महर्षि दधीचि की पत्नी महर्षि दधीचि के साथ ही सती हो गई। इन दोनों को प्रिय बंधुवरों भगवान शिव ने अपने गणों में विशेष स्थान दिया और ये भगवान कैलाशपति शिव के कैलाश पर उनके घरों में जाकर के सम्मिलित हुए। इन्हें जन्म जन्मांतरों से भगवान शिव ने मुक्ति दी। पिपलाद के रूप में भगवान शिव पृथ्वी पर लीला कर रहे थे। पालन पोषण समस्त पंच तत्व इनका कर रहे थे। अभी तो ये कहे कि उनके पालन पोषण की किसी की क्या आवश्यकता है, वे पूरे दुनिया को पालन पोषण देने वाले हैं, आदि योगी हैं। तो प्रिय बंधुवरों बाल्यकाल से ही पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान योग में विराजमान थे। जब आयु बड़ी हुई तो एक रोज इन्होंने देवताओं से ये प्रश्न पूछा कि मुझे ये बताओ कि किस कारण मेरे ऊपर से मेरे माता पिता का साया बाल्यकाल में ही उठा। तो देवताओं ने कहा कि शनि की ग्रह दशा चलने के कारण आपको इस असहनीय दुख को उठाना पड़ा कि बाल्यकाल में माता पिता का स्नेह प्राप्त नहीं हो पाया। तब प्रिय बंधुवरों इन्होंने अपने योग बल से शनि को नवग्रह तारामंडल से नीचे गिराना प्रारंभ कर दिया। शनि अपने स्थान से नीचे गिरने लगे। सूर्यपुत्र शनि ने क्षमा मांगी और तब देवादिदेव बाबा महादेव के स्वरूप पिपलाद मुनि अवतार में भगवान ने इन्हें क्षमा किया और ये वचन लिया कि प्रत्येक जातक के प्रारंभिक 16 वर्ष की आयु तक आप किसी पर भी
शनि की दशा प्रारंभ नहीं करेंगे। प्रायः देखा जाता है जो हमारे ज्योतिषी हैं, आचार्यगण हैं, कुंडली के ज्ञाता हैं, आप भी जिन जिन्होंने कुंडली बनवा रखी है, शुरुआत के 16 वर्ष तक बच्चे पर शनि की अधिकाधिक कोई भी दशा प्राप्त नहीं होती। एकाध कुंडलियों में किसी विशेष स्तर पर अगर शनि आ भी जाए तो वह अपना पूर्ण दृष्टिकोण उस जातक पर नहीं बनाता, क्योंकि उस समय पिपलाद मुनि ने ब्रह्मदंड के द्वारा उन्हें दंडित किया था। एक मतानुकूल तो ये भी मत मिलता है कि उसी ब्रह्मदंड के कारण शनि की जो चाल है वो धीमी पड़ गई और उनके पांव पर उस ब्रह्मदंड का जो प्रिय बंधुवरो ब्रह्मदंड का प्रकोप हुआ, अथवा यूं कहिए कि जब पिपलाद मुनि जी ने वो ब्रह्मदंड यज्ञ से उत्पन्न कर शनि पर उसका प्रयोग किया तो वह ब्रह्मदंड इनके पांव में जाकर टकराया और उससे इनकी गति धीमी हो गई। तो समस्त ग्रह कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन शनि की बड़ी बड़ी लंबी लंबी 7.5 चलती है। तो पिपलाद मुनि के रूप में भगवान ने इस सुंदर लीला की और प्रत्येक जातक को, संसारी को शनि की दृष्टि से मुक्त किया। आज भी प्रिय बंधुवरों, पिपलेश्वर महादेव के नाम से पिपलाद मुनि दधीचि आश्रम में ये सुंदर भगवान का विग्रह विराजमान है। कहते हैं कि जिस पर भी शनि की दशा विशेष रूप से कष्टकारी होती है या शनि उच्च स्थान की अपेक्षा नीच स्थान पर आ जाते हैं और उनके जीवन में अनेकों कष्ट उन्हें पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे जातकों को, ऐसे परिवार के लोगों को पिपलेश्वर महादेव पिपलाद मुनि दधीचि आश्रम में जो भगवान का विग्रह है, सिद्ध पीठ है, उनकी पूजा अर्चन एवं अभिषेक करने से शनि के तमाम कष्टकारी लम्हे दूर हो जाते हैं और शनि उनके विपक्ष को छोड़कर उनके पक्ष में आ जाते हैं। शनि की किसी भी प्रकार की कोई कुदृष्टि उनको परेशान नहीं करती है। ऐसे पिपलाद मुनि भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे पिपलेश्वर भगवान पिपलाद मुनि के रूप में देवादिदेव महादेव उन सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें जिन जिन भक्तों ने आज हमारे साथ में भगवान देवादिदेव महादेव के सुंदर अवतार पिपलाद मुनि के बारे में जाना, दधीचि महाराज की संतान पिपलाद मुनि के विषय में जाना, समझा और अधिक से अधिक लोग पिपलाद मुनि जी के बारे में, भगवान के पिपलाद अवतार के बारे में जान सकें। इसके लिए प्रिय बंधुवरो आप सभी बस अपना छोटा सा प्रयास कि जन जन तक शेयर करें और प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोग बेल आइकॉन दबाएं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रयास भक्ति घर घर तक पहुंचे। इस समय जब कथाओं के बड़े पंडाल नहीं लग सकते, आप हम सब कथाओं सुनने के लिए 3-4 घंटे के लिए एकत्रित नहीं हो सकते, तब हम सभी घरों में बैठे फोन का प्रयोग कर रहे हैं तो क्यों ना इसका हम सदुपयोग करें। 5 से 7 मिनट, 10 मिनट हमें रोज प्रतिदिन हमारे इस YouTube चैनल पर देनी है और भगवान के समस्त अवतारों को जानना है। इससे लाभ होगा कि आपका रोज प्रतिदिन ये 10 मिनट भगवान की कथा में लगेंगी और मेरा मानना है कि 10 मिनट निकालना कोई ज़्यादा कष्टकारी नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि हमारे साथ आप भी बाबा महादेव की इस सुंदर शिव महापुराण से संबंधित 19 अवतार की 19 दिवसीय पावन अवतारों की महादेव की लीलाओं में सम्मिलित हों और भगवान की कथाओं को श्रवण कर धर्म लाभ उठाएं, पुण्य लाभ उठाएं। आप सभी पर भगवान पिपलादेश्वर पिपलाद मुनि रूपी महादेव अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी हरिभक्तों को हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुक्ताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें
एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।